हेलो। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में आपने अब तक सेक्शन 56 को पढ़ लिया, जिसमें आपने देखा कि एसेंशियली हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में किस तरह की इनकम्स को कवर किया हुआ है। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि जो एसेंशियली आईओएस में बेशक अंडर सेक्शन 56 नहीं भी दे रखी है, फिर भी कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो कि नॉर्मली इसी हेड में कवर होती हैं। तो आपने इस हेड का जो ओवरऑल स्कोप है कि कैसी इनकम्स इस हेड में, द रेविडुअल हेड, इसमें कवर हो जाती हैं, वो आपको पता लग चुका है। मैं इस सेशन में अब आपसे बात करूंगा सेक्शन 57 की। सेक्शन 57 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जो इनकम्स हैं, उन इनकम्स के अर्निंग के अगेंस्ट आप कौन सी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, उसके बारे में है। थोड़े से शब्दों में सेक्शन 57 जो है वो आपको आईओएस में जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में बात बताएगा। ठीक है, आपने हर एक हेड में देखा, सैलरी हेड में सेक्शन 16 था, आपको वहां पर डिडक्शंस दी थी। आईएचपी में सेक्शन 24 ने डिडक्शंस आपको दी थी। पीजीबीपी में डिडक्शंस का बहुत लंबा खेल आपने अच्छी तरह देख लिया। कैपिटल गेन्स में आपने देखा कि कौन सी चीजों के ऊपर आपको ये डिडक्शंस अवेलेबल हैं। अब यहां आईओएस में सेक्शन 57 है, जो कि वो अर्निंग्स, वो इनकम जो कि आईओएस हेड में कवर होती है, उन इनकम्स के अगेंस्ट कौन सी डिडक्शंस आप ले सकते हो, ये आपको बताने वाला है। ठीक है, इन जनरल सेक्शन 57 इन जनरल ये कहता है कि जो भी ऐसी अर्निंग आप आईओएस इस हेड में कवर कर रहे हो और इस अर्निंग को, इस इनकम को अर्न करने में कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि इसके डायरेक्ट रिलेशन में हो, आप उसकी डिडक्शन दे सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला, दिस इज सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कैजुअल इनकम्स, कैजुअल इनकम्स के केस में देयर इज नो डिडक्शन अवेलेबल, नो डिडक्शन अवेलेबल। चाहे कोई एसएससी कितना भी प्रूव कर ले कि ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है इट इज वेरी मच इनडायरेक्ट रिलेशन टू अर्निंग ऑफ दिस कैजुअल इनकम, लेकिन फिर भी कैजुअल इनकम के अगेंस्ट आपको किसी एक्सपेंडिचर की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लॉटरी विन कर ली, 1 लाख की आपको लॉटरी लगी है। ठीक है, और मान लीजिए जो टिकट आपने परचेज किया था, वो टिकट जो था वो मान लो 1,000 रुपए का था, तो टिकट की जो कॉस्ट है वो तो एसेंशियली, ये जो एक्सपेंडिचर हुआ टिकट को परचेज करने पर, ये तो एसेंशियली आपकी इस विनिंग के डायरेक्ट रिलेशन में है ही है। लेकिन फिर भी कैजुअल इनकम के रिलेशन में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कैजुअल इनकम के अगेंस्ट आपको किसी भी एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको वन बाई वन बताऊंगा कि किस इनकम के अगेंस्ट कैसे एक्सपेंडिचर हो कि डिडक्शन आपको मिल जाए। इन जनरल आपने दो बातें ध्यान कर ली। पहली बात यह ध्यान कर ली कि जो आपके कैजुअल नेचर की इनकम है उनके अगेंस्ट डिडक्शन आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, नंबर टू, जो कैजुअल नेचर की इनकम नहीं है लेकिन आईओएस का पार्ट है, ऐसी इनकम्स में वो एक्सपेंडिचर जो कि इस इनकम को अर्न करने के डायरेक्ट रिलेशन में हो, उनके अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिल सकती है। अब वन बाय वन, एक के बाद एक करके हम कुछ इनकम्स के बारे में यहां पर अब डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहली चीज सेक्शन 57 में जो मैं आपके लिए उठाऊंगा, फर्स्ट लेट मी राइट इट, दिस इज सेक्शन 57 एंड इट इज ऑल अबाउट डिडक्शंस। सेक्शन 57 एंड इट इज अबाउट डिडक्शंस। पहली, इसमें डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट आपको क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं और उनकी डिडक्शन मिल सकती है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, डिविडेंड आपको पता है कि एग्जम्प्ट भी है, और सम काइंड ऑफ डिविडेंड्स वो टैक्सेबल भी है। ठीक है, तो जो डिविडेंड आपका एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्टेड इनकम के अगेंस्ट तो किसी प्रकार की कोई डिडक्शन मिलती नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो वो डिविडेंड जो कि एग्जम्प्टेड इनकम है उसके अगेंस्ट आपको उसके अर्न करने पर कोई भी एक्सपेंडिचर क्यों ना किया हो,
उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जहां पर डिडक्शन आपका, जहां पर मिलने वाला डिविडेंड आपका इस प्रकार का हो कि वो पूरी तरीके से एग्जम्प्टेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल द डिविडेंड विच कवर्स विच इज देयर अंडर सेक्शन 222E, ऐसे डिविडेंड को अर्न करने के लिए आपने अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है और ये डायरेक्ट रिलेशन में है इस अर्निंग के, तो फिर आपको इस एक्सपेंडिचर के ऊपर डिडक्शन मिल जाएगी। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि डिविडेंड इनकम, जो डिविडेंड आपके एग्जम्प्टेड इनकम है उनके अगेंस्ट कोई डिडक्शन मिलने का सवाल ही नहीं है, लेकिन आपके ऐसे डिविडेंड्स जो टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल द डिविडेंड्स अंडर सेक्शन 222E, उनके अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिल सकती है। जो एक्सपेंडिचर आपने किया है इस डिविडेंड को अर्न करने के लिए, वो एक्सपेंडिचर इस अर्निंग के डायरेक्ट रिलेशन में अगर हुआ तो आपको ये डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी, ये आपको मिल जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट हियर, डिडक्शन अगेंस्ट डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम। तो इसके बारे में आपको दो बातें बताई। पहली बात यह बताई कि वो डिविडेंड जो कि एग्जम्प्टेड है, नो डिडक्शन अगेंस्ट देम। सो पॉइंट नंबर ए हियर, नो डिडक्शन फॉर डिविडेंड्स विच आर एग्जम्प्टेड। अब इसी में ही साथ में एक बात और भी आप नोट कर लें कि हमें पता है कि एक लिमिट के बाद जो आपको डिविडेंड मिला, वो डिविडेंड अब जो है वो टैक्सेबल भी कर दिए गए हैं, ठीक है। इवन इफ आपका डिविडेंड वो टैक्सेबल हो गया, लेकिन वो सेम डिविडेंड है, नेचर वाइज वो सेम डिविडेंड है जो कि एग्जम्प्टेड रहता है, राइट। तो अगर मान लीजिए आपको मिलने वाला डिविडेंड इस लिमिट को क्रॉस भी कर जाए और वो 10% टैक्सेबिलिटी की कैटेगरी में भी आ जाए, स्टिल उसके अगेंस्ट भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मैंने यहां पर सिंपल पॉइंट लिख दिया, सिंपल पॉइंट ये लिख दिया, नो डिडक्शन फॉर डिविडेंड्स विच आर एग्जम्प्टेड। ओके, तो हमें पता है कि जो एग्जम्प्टेड डिविडेंड है उनके अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलनी है, और अगर एग्जम्प्टेड डिविडेंड भी एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं एंड देन दे आर यू नो कमिंग इनटू द रियल्म ऑफ द टैक्सेबल डिविडेंड्स, स्टिल उनके अगेंस्ट आपको कोई भी एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात यहां पर यह बताई, पॉइंट नंबर बी, डिविडेंड्स विच आर नॉट एग्जम्प्टेड डिविडेंड जिनका नेचर ही ऐसा है जो एग्जम्प्टेड नहीं है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है, उनके लिए एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अर्निंग ऑफ सच डिविडेंड्स शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, शैल बी अलाउड एज डिडक्शन हेयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा डिडक्शंस उन केसेस में जहां पर किसी वेलफेयर फंड में किसी एम्प्लॉई द्वारा कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया गया हो, ठीक है। मैंने आपको ये बात पीजीबीपी हेड के टाइम पर समझाई हुई है कि अगर कोई एम्प्लॉई किसी भी वेलफेयर फंड में कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एम्प्लॉयर को उसके अगेंस्ट डिडक्शन तब मिलती है जब एम्प्लॉयर इस पैसे को जो फंड है उस फंड में जाके डिपॉजिट कर दे, दैट टू विद इन द ड्यू डेट। ओके, तो अगर मान लो एम्प्लॉई ने किसी पर्टिकुलर फंड के अगेंस्ट जो है अपना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को दिया, मान लो 2,00,000 रुपए का, और एम्प्लॉयर ने विद इन द ड्यू डेट इस फंड में 2,00,000 के बदले 1,50,000 ही ट्रांसफर किए, ठीक है, तो फिर हमने कहा कि 1,50,000 की ही डिडक्शन मिल पाएगी, इसके आगे नहीं मिलेगी।
क्लियर है बात। तो मैंने आपको बताया कि जहां पर भी किसी एम्प्लॉई से किसी वेलफेयर फंड के अगेंस्ट कोई कलेक्शन कर रखी हो तो उसके अगेंस्ट जो डिडक्शन है वो तब मिलेगी जब वास्तव में कलेक्टेड मनी को इस फंड में डिपॉजिट कर दिया जाए और वो भी ड्यू डेट से पहले पहले, ठीक है, तब ये डिडक्शन मिलेगी। प्लीज सी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिडक्शन हियर। डिडक्शन किसी भी अकाउंट पर हो सकती है, चाहे आपने कोई एक्सपेंडिचर किया हो उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिलनी हो। यहां पर डिडक्शन का एक ये थोड़ा सा डिफरेंट पाथ है, डिफरेंट तरीका है। ये सिचुएशन ये वाली है कि जहां पर एक आदमी ने अपने किसी वेलफेयर फंड में पैसा डालने के लिए ये पैसा किसी को दिया और वो आदमी जो है अब इस पैसे को उस वेलफेयर फंड में वास्तव में जाके सबमिट करेगा, डालेगा, ओके। तो फिर इस आदमी को डिडक्शन तभी मिल पाएगी जब उसने वास्तव में इस पैसे को इस फंड में जाके और जमा करवा दिया। अगर ये पैसा उसने जमा नहीं करवाया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 लाख रुपए हमने एम्प्लॉई से कलेक्ट कर लिए, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके फंड में डाल दिए जाएं, लेकिन हमने 2 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही उसके फंड में अगर डाला तो ऐसे केस में हमें जो डिडक्शन मिलेगी वो 1.5 लाख की मिलेगी और बचा हुआ 50,000 वो आपके एसएससी की इनकम में काउंट हो जाएगा, ओके। डिडक्शन अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन इन अ वेलफेयर फंड, डिडक्शन अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन इन अ वेलफेयर फंड अलाउड टू द एक्सटेंट एक्चुअली deposited in actually remitted in the welfare fund to the extent actually remitted to the welfare fund, okay. Now third situation डिडक्शन के लिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये है डिडक्शन इन रिलेशन टू फैमिली पेंशन। सो पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पॉइंट ऑफ फैमिली पेंशन। देखिए फैमिली पेंशन क्या है, आप लोग समझते हैं, एक एम्प्लॉई जब रिटायर हो जाता है तो फिर उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है, लेकिन अगर एम्प्लॉई जो है वो एक्सपायर हो जाए और उसके एक्सपायर होने के बाद भी फैमिली मेंबर्स को कोई पेंशन मिल रही हो तो उसको हम फैमिली पेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन इज द पेंशन व्हिच इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉईज फैमिली मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉई गॉट एक्सपायर्ड, सो दैट इज योर फैमिली पेंशन। अब फैमिली पेंशन जब फैमिली मेंबर्स को मिलती है, देखिए पेंशन जब एम्प्लॉई को खुद मिलेगी, रिटायर्ड एम्प्लॉई को पेंशन अगर मिल रही है तो वो पेंशन सैलरी हेड का पार्ट है, लेकिन यही पेंशन जब फैमिली पेंशन बन जाती है, जब आपका जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है ही इज नो मोर देयर, ही हैज डाइड, ऐसे केस में जब पेंशन उसके फैमिली मेंबर्स को मिल रही है तब वो सैलरी हेड में नहीं जाती है, तब वो आती है हमारे इस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में, ओके। तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन, जब तक आपका एम्प्लॉई, रिटायर्ड एम्प्लॉई जो है ही सर्वाइविंग, ऐसे केस में ये पेंशन जो होगी इट वुड बिकम पार्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। लेकिन जब ये आपका रिटायर्ड एम्प्लॉई वो एक्सपायर हो जाएगा और ये पेंशन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको मिल रही होगी, तो ऐसे केस में ये पेंशन जो है वो हमारे इस रेजिडुअल हेड में, फिफ्थ हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में आएगी, नो प्रॉब्लम हियर। नाउ व्हाट इज द डिडक्शन व्हेन द फैमिली मेंबर्स दे रिसीव अ पेंशन, राइट, देन व्हाट इज द डिडक्शन अवेलेबल टू देम। जब रिटायर्ड एम्प्लॉई को पेंशन मिलती है तो वहां पर डिडक्शंस बिल्कुल अलग तरीके से हैं, वो आप ऑलरेडी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में पढ़ चुके हो। यहां पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फैमिली पेंशन की। जब फैमिली पेंशन रिसीव होती है तब उसके अगेंस्ट डिडक्शन मिलती है या नहीं मिलती है, आंसर यस डिडक्शन मिलती है। कैसे डिडक्शन मिलती है, प्लीज सी इट।
in case of family pension, the amount of deduction is 33.33%. That means 1/3 of the pension amount. It means 1/3 of pension, okay, or ₹15,000, which ever इन दोनों में से. देखिए दो चीजें बताई हैं, कौन कौन सी, 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट और 15,000 रुपीज, विच एवर इज लेस, दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, विच एवर इज लेस, दिस मच डिडक्शन वुड बी अवेलेबल टू द मेंबर्स अगेंस्ट देयर रिसीट ऑफ फैमिली पेंशन. नाउ पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर में बड़ी इंपॉर्टेंट एक बार डिस्कस आपसे कर रहे हैं, और ये पॉइंट है, देखिए अगर एसएससी को कहीं से कोई कंपनसेशन मिला हो या कोई एनहेंस्ड कंपनसेशन मिला हो, ठीक है, और उस एनहेंस्ड कंपनसेशन या कंपनसेशन में कोई इंटरेस्ट का अमाउंट भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, आपने कंपनसेशन पढ़े हैं सैलरी हेड में भी, आपने कंपनसेशन पढ़े हैं कैपिटल गेन हेड्स में भी, कंपनसेशन की बात हमारे पीजीबीपी हेड में भी हुई है, यहां पर फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, यहां हम प्रिसाइजली जो बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में वो ये है कि अगर कहीं आपके एसएससी को कोई कंपनसेशन या एनहेंस्ड कंपनसेशन मिलने हो और जब तक वो मिलने हैं वो तब तक नहीं मिले, दैट मींस अब जो पेयर है वो इस कंपनसेशन के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे कर रहा होगा, ओके, तो ये जो इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड रिसीट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, तो क्या इस इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपको कोई डिडक्शन मिल सकती है, दिस इज द पॉइंट हियर. मैं रिपीट करता हूं पॉइंट को, एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन, डिडक्शन इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ सच इनकम. जो भी आपको इंटरेस्ट मिला कंपनसेशन के ऊपर, जितना भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 50% जो है वो हमारा एसएससी एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकता है, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस. डिडक्शन ऑन और डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन इंक्लूडिंग एनहेंस्ड कंपनसेशन. नाउ द डिडक्शन अवेलेबल वुड बी, प्लीज नोट इट एंड रिमेंबर इट, इट इज 50% ऑफ सच इनकम, ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई कंपनसेशन मान लो 10 लाख का मिला और इस 10 लाख के अमाउंट में 2 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो 8 लाख का रियल कंपनसेशन होगा, लेकिन क्योंकि डिले से पे किया जा रहा है तो 2 लाख रुपए उस पर इंटरेस्ट भी बना. ओके, ऐसे केस में इस 2 लाख का जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है कंपनसेशन के ऊपर, इसका 50% आप एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. 2 लाख का जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट यू वुड गेट 50% ऑफ 2 लाख, 1 लाख रुपीज एज डिडक्शन अगेंस्ट योर इंटरेस्ट इनकम. सो वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन हियर इन IOS इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अब नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे जिसमें हम बात करेंगे, हमने कहा था कि अगर आपको कहीं पर कोई लीज रेंटल मिलते हैं, आपने कोई मशीन, कोई फर्नीचर, कोई प्लांट लीज आउट किया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, तो वो जो आपको लीज रेंटल मिल रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ IOS. अब आप कहेंगे सर यही वाली बात पीजीबीपी में बोली थी, तो याद रखो कि अगर मान लीजिए यू आर ए बिजनेसमैन और तब आप कोई प्लांट, कोई मशीनरी, कोई फर्नीचर वो आप लीज आउट कर रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, व्हाटएवर रेंट यू आर गेटिंग दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर पीजीबीपी बिजनेस इनकम.
if you are into such kind of business, your business is to let out such kind of assets and gaining, you know, rentals. तो ऐसे केस में वो आपकी बिजनेस इनकम अकाउंट होगा. लेकिन अगर आपके बिजनेस का नेचर ऐसा नहीं है और फिर आपने ऐसी चीजों को लेट आउट किया है एंड देन यू आर गेटिंग सम लीज रेंट, राइट, सच लीज रेंटल इज पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड. ओके, सो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. जब आपका बिजनेस इस नेचर का है कि आप इन चीजों को लेट आउट करने का बिजनेस करते हो, वहां पर जो आपको रेंटल मिलता है दैट वुड बी पार्ट ऑफ पीजीबीपी हेड. लेकिन अगर आपका बिजनेस उस तरीके का नहीं है या फिर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो एंड बीइंग एन इंडिविजुअल मे बी यू आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, तब आपने कोई मशीन आपके पास है, कोई फर्नीचर आपके पास है, वो आपने लेट आउट कर दिया और वो आपने रेंटल रिसीव किए, दोज रेंटल्स वुड बी पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड. ओके, तो ऐसे रेंटल अगर किसी एसएससी को मिले उसके अगेंस्ट डिडक्शन है कि नहीं है, ठीक है. वैसे तो इस पॉइंट को जो मैंने आपको जनरल क्लॉज बताई थी सेक्शन 57 की, कि यहां पर कोई भी अर्निंग जो आपके सेक्शन 56 में कवर हो जाती है उसके रिलेशन में कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने किया जो कि इसकी अर्निंग के डायरेक्ट रिलेशन में है उसकी डिडक्शन हम अलाउ कर रहे हैं. तो यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आपने कोई प्लांट फर्नीचर मशीनरी को लेट आउट किया, इस आपकी रेंटल इनकम के अगेंस्ट आपको जो डिडक्शन अवेलेबल होगी वो होगी ऑन अकाउंट ऑफ एनी करंट रिपेयर्स यू इनकर्ड और द इंश्योरेंस यू आर पेइंग फॉर सच एसेट और ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सच एसेट, ठीक है. तो आपको तीन एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट डिडक्शन मिल सकती है और वो कौन कौन सी है. सबसे पहले करंट रिपेयर्स, प्लीज नोट करंट रिपेयर का मतलब होता है ऐसी रिपेयर जिसमें कोई कैपिटल एडिशन ना हो, ठीक है, प्योर रिपेयर्स, जहां रिपेयर करने के बाद में जो एसेट जिसको आपने रिपेयर किया है वो अपनी जो उसकी वैल्यू है वो उस वैल्यू के बराबर तक ही आए, वैल्यू में इजाफा ना हो, एनहेंसमेंट ना हो, ठीक है. जहां पर भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू जो है वो और ज्यादा बढ़ के आए, वो आपकी कैपिटल रिपेयर्स होती है. हम कैपिटल रिपेयर की बात नहीं कर रहे, हम करंट रिपेयर की बात कर रहे हैं. करंट रिपेयर मीन्स टू मेंटेन दी स्टेटस को इन रिलेशन टू दी वैल्यू ऑफ दैट एसेट. ओके, तो यहां करंट रिपेयर्स अगर आपने किए हैं तो आपको डिडक्शन मिल सकती है. अगर उस एसेट की आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम के अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिलती है, या फिर आपको इस एसेट के डेप्रिसिएशन के ऊपर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन के ऊपर भी डिडक्शन यहां पर आपको मिल रही है. सो पॉइंट नंबर 5 हियर, और ये लास्ट ही पॉइंट है, इसके बाद तो जो रेजिडुअल पॉइंट जनरल आपको पॉइंट बताया था बस वही रह जाता है. इसमें लास्ट पॉइंट में रेंटल अर्निंग्स, रेंटल्स फ्रॉम प्लांट मशीनरी फर्नीचर, और मैंने आपको एक बात बता दी है कि आपने चेक करना है कि कभी पीजीबीपी में जाएगा कभी आईओएस में आएगा. तो जहां पर ये आईओएस में आना है सिर्फ हम वहां की बात कर रहे हैं. डिडक्शन कैन बी अवेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स, नंबर टू on account of insurance premium you paid, and number 3 in relation to depreciation on these assets. 5 points aapke samne section 57 ke yahan par likhe hue hain. These are all about deductions for the incomes which got covered in IOS. Okay, let me again make a summary of all these deductions. Point number 1, it is in relation to dividend. Dividend jo exempted ho उसके अगेंस्ट डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, ठीक है. जो डिविडेंड एग्जम्प्ट नहीं है उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिल सकती है. कब? जब आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर किया हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई कमीशन पे की इस डिविडेंड को लेने के लिए, सो दैट वुड बी देन अलाउड टू यू, अगर वो डिविडेंड आपका एग्जम्प्टेड नहीं है तो. दूसरा पॉइंट हमने इसमें लिखा कि जहां पर किसी वेलफेयर फंड में किसी एम्प्लॉई ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, तो फिर इसके अगेंस्ट डिडक्शन सिर्फ उस एक्सटेंट तक अवेलेबल है जिस एक्सटेंट तक वास्तव में यह कंट्रीब्यूशन हमने इस फंड में रेमिट कर दिया है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सो आई एम नॉट रिपीटिंग द एग्जांपल अगेन.
Point number three, very important, it is about the deduction on account of family pension. Family pension ke case mein, one third of the pension amount or rupees 15,000, whichever is less, would be allowed to you as a deduction. Point number four, again very important, deduction on account of interest received against compensations. 50% of the interest amount shall be straight away allowed to you as a deduction. Or finally, point number five, if you are getting any rentals from any plant, machinery or furniture, okay, aise case mein aapko deduction mil sakti hai on account of current repairs, insurance premium paid, and number three, on depreciation on the assets, right? ये पांच आपने स्पेसिफिक याद रखने हैं और इन पांच स्पेसिफिक पॉइंट्स के अलावा आपने जनरल रूल याद रखना है कि आईओएस में जो भी इनकम आए उसको अर्न करने के लिए जो भी आपने ऐसे एक्सपेंडिचर इनकर किया जो कि इस अर्निंग के डायरेक्ट रिलेशन में है तो फिर आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी. खास बात क्या याद रखनी है जो मैंने सबसे पहले पॉइंट बता दिया था, इन केस ऑफ कैजुअल इनकम्स, कैजुअल इनकम्स मींस इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम रेसिस, मे बी मोटर कार रेसिस, मे बी हॉर्स रेसिस, मे बी एनीथिंग, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स, इनकम फ्रॉम पजल्स, इनकम फ्रॉम बेटिंग, जो भी आपकी कैजुअल नेचर की इनकम है उनके अगेंस्ट आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 57 डिडक्शन अंडर आईओएस.